पानी होगा खराब गोडे रुकते सारा नेरे के मेरे का पानी गोडा दुखे सोरा ओदे छे जमींदारा दे हर टैक आज तो 20 साल पहला कहे सुनया सी के मोटे किडे किडे एडे एडे मोटे है खांदे तड़का ला ला के 50 साल तो ऊपर वाला जो भी आदमी चलूगा ना वो टेढ़ा होके ही चलूगा। कैंसर के मरीज भी ए दो 3 साल पहला काफी ज्यादा हो गए सी। सारा जीवन ही एक समस्या है। इस हिसाब से पढ़ाई बर्बाद हो रही तो इसलिए लॉकडाउन खुलना चाहिए तो फिर जॉब क्या लगेंगे बड़ा होकर। सुना भैया राम राम। मैं थारो बिल्ली प्रशांत और थे देख रहे हो जलको हनुमानगढ़। तो आज आप हनुमानगढ़ को एक तहसील है संगरिया तहसील बंगो गांव है शेरगढ़। तो शेरगढ़ मार यहाँ अठा के लोगों से मिलांगा जाना अठा के लोगों ने कितनी केश मशान ला रही है। मारो गांव शेरगढ़ संगरिया तहसील में पड़ा है। पानी की बहुत बड़ी समस्या साढ़े पिंड फलोराइड पानी के बहुत ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा थले वाला पानी जिहड़ा कि TDS 1200 आ रहा है। मेन समस्या ये है 45 साल तो ज़्यादा जो भी आदमी है वो गोडे दुख रहे हैं। वो कई बार असं कलैक्टर साहब न भी ज्ञापन दे चुके हैं बहुत बड़ी समस्या। तो वो पानी अब सीधो आया बिंगमा कोई नहर मतलब वाटरवर्क्स को कोई योगदान कौन के वाटरवर्क्स में कौन है। वाटरवर्क्स को 30 साल पहली डिग्गियाँ बनी उस तो बाद कोई सार संभाल नहीं हुई एक ट्यूबवैल का पानी ही आ रहा बस। पिंड के लोगों की मंग है भी नहरी पानी वधिया तरीके आए हजे तक तो आया नहीं। वेखो वोटों वाली जो भी कोई आता है आपकी मेन समस्या हम हल कर देंगे। पहले भी विधायक आए अब भी आए कह रहे हैं आपका वाटर बॉक्स मंजूर करवा दिया अभी तक तो हुआ नहीं। 50 साल तो ऊपर वाला जो भी आदमी चलूगा ना वो टेढ़ा होके ही चलूगा। अच्छा इन्नी समस्या है। कैंसर के मरीज भी ए दो 3 साल पहला काफ़ी ज़्यादा हो गए सी। हमने कलैक्टर साहब नू भी ज्ञापन दिता तो आश्वासन मिल रहा जी और कुछ नहीं। कितनी क्लास में पढ़ो सेवंथ में पढ़ो यार स्कूल कल बंद पड़े आप तो घर की तो पढ़े पुढ़े करो ठीक किताबा में मोबाइल तो आई को नहीं। अच्छा मोबाइल को नहीं तो आज का फिर थाना क्लास क्लास ऑनलाइन लगाई करे के ए लगाए तो करे पर मेरा कन मोबाइल को नहीं। अच्छा तेरे कन मोबाइल को नहीं किताबों पढ़ ले करो। हाँ समझ आ जे। हाँ ऐसे ना समझ आवे तो किसी में पूछ लिया पढ़ाई खराब हो गई मोबाइल तो नहीं बनी। पढ़ाई लेके सीरियस हो है इस हिसाब से पढ़ाई बर्बाद हो रही तो इसलिए लॉकडाउन खुलना चाहिए तो फिर जॉब क्या लगेंगे बड़ा होकर क्या जॉब लगेंगे पैसे कैसे कमाएंगे। अच्छा अच्छा के जॉब लगना था सपनों के। मेरा सपना ए PTI मास्टर सिंगिंग। अच्छा PTI मास्टर सिंगिंग है टावरा नहीं पढ़ाना है। और ये प्रधानमंत्री बीमा योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है बीमा कोई आया कि रुपये रुपये थे। हाँ आया कितना कितना आया बीमा उन्होंने सानू 6000 रुपये आ 6000 रुपये तो जमीन का खतरा ला रहे हैं मेरी जमीन का। हाँ वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी तरीका का नहीं वे उस दे नहीं आए सानू। अच्छा बैंक कौन नहीं आएगी। अच्छा अच्छा आए होने तो बैंक वाले कड़े दस दे होंगे मतलब बैंक च आते हैं तो खाता वाला सी बैंक के रखा थोड़ी वो फिर नहीं आए वो नहीं आए। अच्छा तो थोड़ा कापी में बोलेगा रुपये तो थर खाता में बोलेगा कम करने वाले कदम ना तो पहला आइए तो ना होना आए कह दो सारा काम कुम करे करो बेला यार ना करूँ तो आप ही मरू अपना की लगा जो कम करता तो कोई मरदा नहीं साढ़े रूड़ा 70 साल का अजे हल बहुदा जो नाल दे ती साल हो गए मरिया। हाँ मेरे नाल दे बथेरे मर गए मेरे तो छोटे ही बथेरे मर गए नहीं वो कम करता तो फिर दी हाँ जरा एसी चाहता पहला जिमीदारा हर अटैक अज तो 20 साल पहला किसी सुनिया सू तो पता है साढ़े पिंड च नहीं हो किसी हूँ क्या होंगे जिमीदारा जो कम। अच्छा बोलना रहे बथेरे नहीं होंगे मोटे किडे किडे एडे एडे मोटे है खाते तड़का ला ला के उन्हें जोर थोड़ा ही है वैसे तो कम ना ही है सारा कुछ। आ हूँ जो लोग कहने कोई कहना पानी की खराबी है डॉक्टर कहना भी नवे पवा लो पर केड़ा बंदा पवावे गोडे नवे पवा लो ते पानी की बड़ी समस्या साढ़े बहुत ज्यादा है ते बाकी आ हूँ जिवें कोई आउंदे MLA मंत्री उन्होंने कहने हैं वह आंदे करांगे सुधार हजे तक सुधार नहीं होया। पेंशन वगैरह हाँ पेंशन आउंदी है पर पेंशन की आउंदी है गोलियां ही आ जांदियां गोडे वालियां गोडियां गोलियां हर एक बंदा है वो ही समस्या है। दूजी दो समस्या है साढ़े बड़ी तो है कि पानी वाली दूजी एक समस्या होर है एक सड़क वाली समस्या है ये सारिया सड़क 12 फुट हो गई साड़ी हजे पुरानी 10 फुट सड़क पई है हूँ जेड़ा भी कोई आउंदा जांदा सड़क सार नहीं तो ये सड़क है पर साढ़े समस्या ये भी बहुत बड़ी है। हाँ ये भी बड़ा बड़ा काम है। गाँव कितना का मोटा है अपना गाँव के है कोई 400 घरों की बस्ती है एक कम दो कम 70 किलो में जो गांव है वो बसा हुआ है सारे का सारा। हाँ 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 तो ठीक है गांव तो बहुत बढ़िया गांव है बढ़िया गांव है बहुत बढ़िया तो अब गांव में जो की समस्या बताना रहा पानी की और क्या 50 साल जिसका ऊपर है बंगा गोड्डा में भी दर्द रहा है। ये वैसे तो यूँ है कि सारा जीवन ही एक समस्या है लेकिन हमारे जो समस्या है ना वो ये है कि हम
शुरू से टैल पर आते रहे हैं। नहर की भी यहाँ समस्या रही, पीने वाले पानी की भी समस्या रही, सड़क की भी पहले समस्या रही, बिजली की भी पहले समस्या रही। अब पीने वाला पानी जो है वो सारे एरिए में मतलब सक्सेस हो चुका है, लेकिन शेरगढ़ गांव एक ऐसा गांव है कि जहाँ अभी भी आप देखो तो वहाँ आपको पीने वाले पानी मतलब पानी आपको पीने योग्य नहीं मिलेगा। पानी तो है लेकिन पीने योग्य नहीं है। गुरबाणी में एक शब्द आता है कि रोगी के पाने सब रोगी और सुखिए के पाने सब सुखिया। अब जो IPS IAS RPS RGS RTS जो वहाँ बैठे हैं उनको बोतलों वाला मिल रहा है, उनको तो ठीक है, लेकिन हमें तो ना मिल रहा है। हमें तो वो मिल रहा है गंदा पानी पीने के लिए। एक आदमी बीमार हो जाए तो उसको हम चढ़ा करके मोटरसाइकिल पे, बस पे और पे कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर पशु बीमार हो जाए और तकड़ा आदमी है जो जो पैसे वाला है वो तो अपने को ट्रैक्टर पर चढ़ा के ले जाएगा, हम गरीब किस पर चढ़ा के ले जाएंगे? अब चक्के हमारे से नहीं जाता। और डॉक्टर हमारे आदमी का टीका लगवाए ना तो उसके 20 रुपये 30 रुपये 50 रुपये लेता है, लेकिन अगर उसको उसको यहाँ बुलाएं पशुओं वाले डॉक्टर को तो वो 500 रुपये से कम नहीं लेता। बेशक पता नहीं कितना का, बहुत 2 रुपये का है कि 5 रुपये का, 10 रुपये का है। तो इसके लिए मैंने आज से 10 साल पहले भी, 15 साल पहले भी हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर थे तो उन्होंने कहा था कि यार मैं समझता हूँ आपकी समस्या को, तो मैं आपको जो है यहाँ एक छोटा पशुओं वाला अस्पताल वेटनरी हॉस्पिटल ज़रूर देंगे। तो उसके लिए कई बार गए आए, कई बार प्रशासन से बात की, हमारे MLA वगैरह उनसे बात की। तो ये दूर पड़ता है संघ मंडी से और नज़दीक में यहाँ फतेहपुर पास में पड़ता है तो वहाँ कोई पशुओं वाला डॉक्टर नहीं है। हमारे यहाँ दौलतपुरा पड़ता है वहाँ कोई नहीं है, और जहाँ कहीं कोई है बेचारा एक आध बैठा तो वो 2-3 गाँव हो जाते हैं उस पर वो मिलता नहीं है। तो एक पशुओं वाले डॉक्टर की जो है वो बड़ी यहाँ दिक्कत है। दिक्कत है जी जी, नाली वगैरह गलियाँ वगैरह पक्की नहीं है, नालियाँ जो गांव के अंदर पक्की नहीं है उनके अंदर सफाई वगैरह की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल गंदा पानी है जिससे मलेरिया मच्छर वगैरह बीमारियां फैलती हैं मच्छर से। ये दिक्कत है बहुत बड़ी ज़्यादा इसमें गांव के अंदर। अब स्कूल वगैरह क्या सुविधा है गांव में? स्कूल की बढ़िया सुविधा है जी, बढ़िया के नंबर फर्स्ट क्लास स्कूल है, सुविधा है जी, 12वीं तक का स्कूल है। और आप बताओ युवा पीढ़ी है जो कि नशों दूर है गाँव में या नशो है गाँव में अभी? नहीं, नशा दूर है जी वैसे तो, ऐसे थोड़ी बहुत है अभी प्रॉब्लम की। बाजार दवाई लेने जाओगे? अच्छा, अठा कोई सुविधा कौन दवाई की ना? अठा की है की कौन अठा? अच्छा, तो हॉस्पिटल वगैरह कोई मेडिकल वगैरह कोई सुविधा कौन अठा? कोई सुविधा नहीं। कितना टाइम हो गया अठा से? शुरू ही कौन नहीं या फिर ही बीच में ना? पहली ही कौन अठा? अच्छा, तो नजदीक थे घट जाए करो दवाई दवाई लेने फिर? हां, मानगढ़ जंक्शन। पानी रुक रहे हो अठा? पानी निकासी? पानी जी भाई सानू बड़ी समस्या है, सारी खालियां बंद हो सारा बड़ी समस्या है। अगे साडा पानी जा रहा है, दुआरा दे नाल खड़ा है मकान, दिक्कत हो रही है तो। जी पाओ अपने मकान मतलब सिलाब वगैरह मकान पूरा जी, दोबारा मतलब सारा पाटिया पे हूँ, बड़ी समस्या जी, इधर सारी काली बंद है। हम डॉक्टर आते आते भी सू तो पिछले कि बामा शाल जो पैसे वो नहीं दते गवर्नमेंट ने, मतलब भी डॉक्टर कहने भी तुम मतलब 1 मई तो शुरू है योजना, तो डॉक्टर आते भी सू पहला बामा शाल पैसे नहीं आए सरकार तो, असं मतलब क्यों फिर इलाज करिए? अच्छा, तो गया अगे मंगन? हाँ, आते आते भी यार तेरा मतलब असं नहीं चालू करते। अच्छा, तो चिरंजीवी योजना करा रखे बीमा? हाँ, बीमा करवा रखे। अच्छा, वहाँ भी बामा शाह पहला जी मतलब इलाज कराया ना, वो पैसे ही हाले गवर्नमेंट ने साढ़े खाते च नहीं पाए। तो फिर मैंने पूछो कोई नहीं थे सुविधा लागू तो थे ही करा रहे हो? नहीं, वो आते भी अरे तो गवर्नमेंट ने थोपती साढ़े ते, असी मतलब गवर्नमेंट नू रजिस्टर मतलब दिता ही नहीं लिख के भी साडा हॉस्पिटल योजना च आना चाहिए। अच्छा, तो फिर थे इलाज क्या फिर पैसे दे के कराने होर की कराने? बीमा के रुपया भी काट लिया और योजना भी दे दी है, वो योजना लाभ भी कौन मिलना रहे? थे बताओ आपका कमेंट के माध्यम के थारा गांव में भी कितनी की समस्या है और के समस्या आने ला रही है, थारा गांव को नाम और थारा मोबाइल नंबर जब कमाना कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके बताओ ताकि मैं थार तक पूगा और थारे गाँव की जबकि समस्या है बने लोगों तक पहुँचावा, बने प्रशासन तक पहुँचावा। और अगर थे अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास जेड़ा बेल आइकन का बटन ने दबा दो ताकि कोई भी नई सूचना आवे या कोई भी नई जानकारी आवे बिंगी थाने जानकारी मिलती रहे। तो इन वीडियो के प्रति थारी केयर आए ही भाभी मैंने जरूर बतायो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके। तो बढ़िया रहो मारसा गए, अब मिलांगा अगला गाँव अगली वीडियो में। इतनी देर खातर जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।